फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दो रंगों का ये पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन के साथ लाइट पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन किया है। बहुत सुंदर सा पैटर्न है और बहुत आसान है बनाना, इसे बिल्कुल आसान है। ये देखिए, रॉन्ग साइड से इस तरह का दिखता है और राइट साइड से इस तरह से। सात सिलाइयों का यह डिज़ाइन है। आप अपने मनपसंद रंग के ऊन के साथ इसे बना सकती हैं। इस पैटर्न को आप लेडीज़ स्वेटर में, कार्डिगन में या फिर बेबी स्वेटर में ज़रूर बनाएं। तो चलिए आज हम इसे बनाना सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए 3+1+3+1 यानी कि 4 के मल्टीपल में हमें फंदे डालने होंगे। तो मैंने 3+1 यानी कि 4 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं और दो सिलाइयाँ बॉर्डर की बुन ली हैं। बॉर्डर बुनने के बाद हम इसमें दूसरा कलर, जो भी अपने पसंद का कलर हो, उसे हम जोड़ेंगे। ये देखिए, मैं क्रीम के साथ यहाँ पर डार्क पिंक कलर ऊन जोड़ रही हूँ। पहली सिलाई राइट साइड, हमें पूरी सिलाई सीधी बुननी है। देखिए, बहुत आसान सा डिज़ाइन है और बहुत देखने में भी सुंदर लगता है। ये देखिए, पहली सिलाई हमें पूरी सीधी बुननी है। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, पहले फंदे को हमने बिना बुने उतारा और सारे फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं, यानी हमें सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे बुनने हैं और उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। ये हमें 6 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बुननी हैं। तो 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद मैं फिर बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर बुनने के बाद हमने 6 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी में पैटर्न में बुन ली है। अब सातवीं सिलाई हम बनाएंगे। सातवीं सिलाई में हमने ऊन का कलर चेंज कर लेना है। अब ये आपके पसंद पर डिपेंड करता है कि आप दो कलर में बना रही हैं या फिर 3 या 4 कलर में। मैंने सिर्फ 2 कलर यूज़ किया है। देखिए, सातवीं सिलाई, पहला फंदा 1 सीधा, 2 सीधा और ये 3 सीधा। चौथे फंदे में हम इसे खोल देंगे, 1, 2, 3 और ये 4। हमने 4 फंदे खोल दिए। 4 फंदे खोलने के बाद ये जो हमारे पास फंदा है, इसे हम इस तरह बाईं सिलाई पर करके चारों खुले हुए फंदों के साथ बुन देंगे। देखिए, इस तरह हमने बुन लेना है। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 सीधे फंदे बुनने के बाद चौथे फंदे को हमें खोल देना है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 हमने 4 फंदे खोल दिए। अब हमारे पास ये जो फंदा है, इसे इस तरह सारे खुले हुए फंदों के साथ बुन देना है। ये देखिए, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। चौथे फंदे को हम खोलेंगे, 1, 2, 3, 4।
फूले हुए फंदों को हमें इस फंदे के साथ बुन देना है। ये देखिए हमने बुन दिया। इसी तरह से हमें ये चार फंदे बार बार दोहराने हैं, तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे को खोलकर बुनना है, दो तीन चार। देखिए हमने खोलकर इसे इस तरह बुन दिया, तीन फंदे सीधे, दो तीन, चौथे फंदे को खोलकर बुनेंगे। इस तरह हम बुन लेंगे किनारे के दो फंदे सीधे। उल्टी सिलाई में हमें हर बार उल्टा बुनना है। ये देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। सातवीं सिलाई में पैटर्न बनाने के बाद हमें छह सिलाइयाँ फिर सीधी और उल्टे पैटर्न में बुन लेना है। और फिर सातवीं सिलाई में हम दूसरे कलर का ऊन लगाकर बुनेंगे। देखिए ये हमने दो सिलाइयाँ क्रीम से एक बार फिर बुन ली। चार सिलाइयाँ और बुनने के बाद, यानी कि टोटल सिक्स सिलाइयाँ बुनने के बाद हम फिर रानी कलर का ऊन लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छह सिलाइयाँ रानी कलर से बुनने के बाद छह सिलाइयाँ फिर क्रीम कलर से बुने हैं। अब सातवीं सिलाई हम एक बार फिर रानी कलर से बुनेंगे। देखिए पहले फंदे को हम बुन लेंगे, बिना बुने नहीं उतारेंगे। दो, शुरू में हमने जो तीन फंदे सीधे बुने थे इनमें से हम दूसरे फंदे को भी नहीं बुनेंगे, इसे इन तीन फंदों में से ही हमें बीच वाले फंदे को खोलकर बुनना है, दो तीन चार। चार फंदे हमने खोल लिए, अब इन चारों खुले हुए फंदों को हमें इस तरह एक साथ बुन देना है। ये देखिए एक दो तीन, पिछली बार हमने यहाँ पर खोल कर बुना था लेकिन इस बार हम इसे सिंपल तरीके से बुनेंगे। एक दो तीन, तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब इस चौथे फंदे को हमने खोलना है, दो तीन चार, इस तरह एक साथ हमें बुन देना है। इन्हीं चार फंदों को हमें बार बार दोहराना है। तीन, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद हम चौथे फंदे को एक बार फिर खोलकर एक साथ बुनेंगे। देखिए हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक बार हमने यहाँ पर खोलकर बुना था तो अगली बार दूसरे कलर के ऊन से हमें तीन फंदे छोड़कर फिर चौथे फंदे में खोलकर बुनना है। इसी तरह से जब हम आगे बुनेंगे तो हमारा पैटर्न इस तरह का आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और आगे बुनने पर ये इस तरह का दिखेगा। आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं अपने मनपसंद रंगों के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।